हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एरीज, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद आपके साथ आई हूँ और आज आपके साथ सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ लव रीडिंग्स। लव रीडिंग्स फरवरी के महीने की जरूरी थी और अभी काफ़ी समय हो चुका था, मैं रीडिंग पोस्ट नहीं कर पा रही थी हेल्थ इशू की वजह से, लेकिन अभी बहुत रिकवरी है और अब जल्दी जल्दी आपके सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो फरवरी के महीने में प्यार का महीना है, खुशनुमा महीना है और प्रेमी महीना है, तो वैलेंटाइन भी है, तो सबसे पहले लव रीडिंग ही बनती है। तो स्टार्ट करेंगे एरीज से, क्या कुछ इस फरवरी के महीने में आपके लिए आ रहा है, आपके वैलेंटाइन की तरफ से क्या आपके लिए एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या कुछ गाइडेंस होंगी जो आपको प्रॉपर करनी चाहिए अपने वैलेंटाइन को और भी खुशनुमा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ कार्ड से एनर्जी आपके लिए चेक कर लेते हैं, आपके पर्सन की और आपकी। स्टार्ट करते हैं एरीज के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, गाइड कीजिएगा। मुझे ना बहुत ही यहाँ पे चुलबुली एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत ही चुलबुला प्यार। वो गाना है ना, पहले प्यार का पहला गम, पहली बारिश का मौसम, वो गाना मुझे याद आ रहा है। आई डोंट नो मुझे क्यों याद आ रहा है, पर आई थिंक कुछ लोग हैं इस एरीज में, मेष राशि वालों में, जो पहले पहले प्यार को अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस का ये पहला पहला ही है। तो लेट्स चेक कैसी क्या एनर्जी है भाई मेष राशि वालों के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड। वाओ, सबसे पहले ही इमोशंस के सरताज आ गए हमारे किंग ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स आपके बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, खुद से वेट नहीं कर पा रहे हैं, खुद से एक्साइटेड हैं कि मुझे जल्दी से बाहर निकालो। चलिए, ओ माय गॉड, टावर का कार्ड, मैं इसको क्लियरफाई करूंगी क्योंकि बहुत ही एनर्जी अच्छी आई है। तो ये टावर का कार्ड क्या लेकर के आया है, मैं जरूर इसको क्लियरफाई करूंगी। जस्टिस का कार्ड एंड लास्ट वन है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड, एंड बॉटम में कार्ड है आपका टेन ऑफ कप। ओके, तो सबसे पहले मैं ये टावर का कार्ड यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी, ये टावर का कार्ड क्यों मुझे ईश्वर ने दिया है, क्या वो मुझे टावर के कार्ड से बताना चाहते हैं। मैं ये डेक को इधर रख लेती हूँ, और क्या बताना चाहते हैं हमारे एरीज को ये टावर का कार्ड, क्यों बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्यों आया है भाई ये, क्यों आया गया ये एकदम से गुलगुली एनर्जी में, अचानक से ये आ गया। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी, हाय प्रिस्टेस। ओके, दोनों ही एनर्जी सेम टू सेम आ रही हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग हैं जो टावर मोमेंट से गुजरे हैं, ब्रेकअप से गुजरे हैं, और अब उनके कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यू बन गए हैं। ठीक है, आप ना किसी पर जल्दी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बहुत से कलेक्टिव में ऐसे बहुत से लोग हैं। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत से लोगों को कार्ड्स सारे मैसेजेस सभी के लेकर नहीं होंगे। ठीक है, तो जो आपको रेजनेट करते हो, जो आपको रिलेट करते हो, जितना उतना ही अपने आप पे लीजिएगा। तो सबसे पहले बेसिक में यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ लोग हैं कलेक्टिव में जो टावर मोमेंट से गुजरे हैं, ब्रेकअप से गुजरे हैं, और उनके काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इशू बन गए हैं, अब वो किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब उनको थोड़ा सा इनडिसिजिव हो गए हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी अक्ल है, उनकी जो विजडम है, उसके ऊपर भी वो डाउट करने लगे, खुद पर ही डाउट करने लगे, क्या मैं लव को डिजर्व करती हूँ, इस टाइप के भी इनके मन में ख्याल आने लगे हैं। आई डोंट नो ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि देखो आपकी लाइफ से जो गया है, मैं तो कहती हूँ वो शायद आपके डेस्टिनी को डिजर्व नहीं करते थे, आपकी एनर्जी उनसे मैचअप नहीं हो रही थी, इसलिए वो दूर गए। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग थे जो कार्मिक चीज़ों से डील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आई है, तो कुछ हैं जो कार्मिक लोगों से डील कर रहे थे, फिर भी उनको पकड़ के रखे हुए थे, है ना। तो अभी क्या है ना, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जस्टिस आ रही है, और अब आपको वेज मिलेंगे। ठीक है,
अब एक डिवाइन से क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक बहुत डाउट में रह लिए, ठीक है, खुद पे भी डाउट कर लिए और पार्टनर के ऊपर भी डाउट कर लिए, जो न्यू अपकमिंग आपकी लव वाइब्स आपकी लाइफ में आ रही उनके ऊपर भी डाउट कर लिए, पर अब आपको क्लियरिटी मिल रही है, अब आप सिचुएशन से ओवरकम हो रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा, अब आप ओवरकम कर रहे हो और यहाँ पे अब आप अपनी रियलिटी पे आ रहे हो। आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जो इजली हर्ट नहीं होते हैं, वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, वो फर्गीव कर देते हैं, कोई इनका कुछ भी बुरा कर लेता है। खासकर मेष राशि वालों की ये विशेषता ही होती है कि इनको हर्ट बहुत किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी आदत जो थी फर्गीव करने की, अगर आप इसको फर्गीव नहीं कर पाए हो, इससे नहीं निकल पाए हो, तो कहीं ना कहीं इसके मायने हैं कि कांड बहुत बड़ा था, इश्यू बहुत बड़े थे और अब आपको इसके लिए स्टैंड लेना ही था और आप वो स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। अब अपने आप इमोशनल पावर को अपने कंट्रोल में कर रहे हो, अपने बोल्ड साइड को बाहर निकाल रहे हो और राइट पाथ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, राइट पाथ पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो नो डाउट अब आप राइट पाथ पे हो और आपको इस पर विश्वास रखना है, ठीक है। मैं कुछ और एनर्जी आपके पर्सन की भी देखना चाहूँगी, और क्या आपके लव वाइज में रहेंगी और आपके पर्सन्स की एनर्जी क्या रहेंगी, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत से लोग हैं जो फर्गीव कर चुके हो अपने पार्टनर को, बहुत बहुत छोटे छोटे मामलों में फर्गीव कर चुके हो और अभी भी फर्गीव करना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं और क्या एनर्जी से ओके टू ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, किसी की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। द हायरोफेंट, वाओ, फाइव ऑफ वैंड, एट ऑफ सोर्ड, द हाई प्रेस्टेज अगेन आया है एंड ओवरऑल आपकी एनर्जी द स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। तो सबसे पहले बहुत सारे डाउट में रहे हो, कंफ्यूजन रहे हैं, लाइफ में जल्दी आगे नहीं बढ़ पाए हो, स्टक हो जाते हो छोटी छोटी चीज़ों में। तो यहाँ पे भाई क्लियरिटी की ज़रूरत थी और वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सबसे पहले आपके पर्सन की बात करना चाहूँगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, आपने बहुत बार फर्गीव किया पर वो बंदा सुधरता नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव में कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी को नहीं है, नहीं है, लेकिन जिनको है वो समझ गए हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या है ना, अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अपनी एनर्जी में स्टक हो रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया था, जो ने आपके साथ में चीटिंग की थी, कहीं ना कहीं अब उनको अपनी गलती का एहसास होगा, ठीक है। अब उनको भी क्लैरिटी मिलेगी और अब वो आपको भी अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ लोगों को जो बिल्कुल ही न्यू पर्सन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रही है, खास करके लियो साइन के द्वारा बहुत एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि एरीज अपनी ही राशि लियो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, क्योंकि एरीज फायर साइन होती है और लियो भी फायर साइन है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही फायर साइन के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो और इसके साथ में कुछ लिब्रा पर्सन भी हैं यहाँ पे जिनके साथ में आपका कनेक्शन हो सकता है, और खास करके लियो के साथ में, और इसके अलावा लिब्रा पर्सन के साथ में, एक्वेरियस के साथ में, और ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका इनके साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है, शादी की पॉसिबिलिटी भी बनते हुए दिखाई दे रही है और अब आपका वेज खुलेगा, अब आपको अपनी इंट्यूशन आएगी लाइफ में करना क्या है, आप अपनी पूरी पावर में आ रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैं फिर से बोलूँगी, आप अपनी पावर में आ रहे हो, अब आप नो को नो कहना सीखोगे, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि उनको अपने पार्टनर की तरफ से गिफ्ट्स रिसीव होंगे, कोई गुड न्यूज़ रिसीव होगी, आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं इस वैलेंटाइन को, आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और गिफ्ट्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, सरप्राइजेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। और अगर आपके पार्टनर आपको बार बार डोमिनेट करते थे, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपकी तरफ सरेंडर होंगे, ठीक है, मैं सरेंडर की एनर्जी भी यहाँ पे देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपको तरफ सरेंडर भी होंगे, ठीक है। मैं कुछ और एनर्जी और देखना चाहूँगी, और एनर्जीज प्लीज़ एरीज के लिए, और क्या एनर्जीज है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, सक्सेस का कार्ड है और अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं स्ट्रांग, कि अब आपके पार्टनर आपकी बातों को समझ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, अब उनकी जो आपके व्यूज को नहीं समझ पाते थे, वो आपके व्यूज को समझेंगे। अगर आपको यो केयरिंग नहीं कर रहे थे, तो वो केयरिंग भी आपकी करेंगे। अगेन देख रही हूँ, लियो साइन के व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपका इनके साथ में कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपकी लव रिलेशनशिप जो है ना, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही, विक्ट्री की ओर जाते हुए दिखाई दे रही, बारात की ओर जाते हुए दिखाई दे रही। कुछ लोगों का कोर्ट मैरिज है, उनके हो सकता है कि फैमिली वाले ना माने, लेकिन आप लोगों की मैरिज होगी, ठीक है, मैरिज होगी, और कनेक्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, फाइटिंग का कार्ड है, और इसके बाद में है कॉन्सनेंस का कार्ड। तो यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में फाइट हुई थी, कहीं ना कहीं अब वो फाइट की एंडिंग होते हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अब एक वेज खुलते हुए दिखाई दे रहा है, आप अपनी अपनी गलतियों को पहचान करके, एक दूसरे को फर्ग्यू करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आएगा कि यस, कुछ चीज़ें थी जो शायद बातों से, शांति से सुलझाई जा सकती थी, पर कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो ऐसा हुआ, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों, मुझे लग रहा है कि जानबूझकर कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, और आप लोग उसकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट होकर के फाइट करते रहे, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये सब गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है, और हमें शांति से इस मुद्दे को सॉल्व करना है। आप पीस क्रिएट कर रहे हो, एक हार्मनी क्रिएट कर रहे हो आप एक दूसरे के साथ में, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप दोनों के, देखिए हार्मनी क्रिएट कर रहे हो, हैप्पीनेस की एनर्जी को टेप कर रहे हो। अब आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, अब अपने हार्ट चक्रा को हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कनेक्शन आप दोनों का बढ़ते हुए दिख रहा है, और हार्मनी का कार्ड जो है ना, वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ट्रेडिशनल डेक से अगर देखा जाए, तो ये दो लोगों के दूरियों को ख़त्म होने की बात करता है, दोनों के कनेक्शन की जुड़ने की बात करता है, और ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी होती है। मतलब ये रिश्ता छोटी छोटी चीज़ों में अब खतरे में नहीं पड़ने वाला, अब ये रिश्ता लंबे तक जाएगा, है ना, ये लंबा टूर लेगा, है ना। तो यस, कंट्रोल, अब आप अपनी अपनी गलतियों को कंट्रोल कर रहे हो, और आपकी जो ईगो थी ना, उसको साइड में कर रहे हो, ठीक है, ईगो साइड में कर रहे हो, मैं कहूँगी आप थोड़ा सा आप लव को स्पिरिचुअल भी हैंडल कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कि लव को लेकर बेबी लव कर रहे हो, नहीं, आप इसको मेच्योरिटी से और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके, क्रिएटिव का कार्ड है, तो यस, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, अब इनके रिसॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ और मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं रोमांस एंजल से आपके वैलेंटाइन के लिए। कितने खुश हो गए आप सब वैलेंटाइन के लिए। चलिए, एरीज के लिए डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, मुझे यहाँ पे वर्गो साइन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्गो साइन है, कैप्रिकॉन है, टोरस है, जिनके साथ में भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी पिक हुई है, हालांकि ऐसा कोई कार्ड्स नहीं दिख रहा है जिनसे ये साइन होते हों, लेकिन ये अचानक से मेरे चैनलिंग हुई,
वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टोरस, ठीक है, आप इनके साथ में भी डील कर रहे होगे वेरी सुन। तो यस, आपके जो वैलेंटाइन के जो भी सपने हैं वो सपने बहुत जल्द ही पूरे होंगे। एक क्लियर डिसाइड आप कर पाओगे कि लाइफ में करना क्या है, ठीक है, जो डाउट थे क्लियर हो रहे हैं। वर्थ वेटिंग, तो जो भी आपने वेट किया है उसका आपको फल मिलेगा, अच्छा में फल मिलेगा, और आपकी लव लाइफ आगे बढ़ते हुए दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। तो कुछ लोगों के लिए भाई क्लियर मैसेज है कि एक बार फिर से अपने रिलेशनशिप को सेकेंड चांस दीजिए और अपने पार्टनरशिप पे, अपने रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए, ठीक है। आपके लिए कुछ और देख लेते हैं, क्या है आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस, क्या है आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पे दिसंबर का महीना आया है कुछ लोगों के लिए, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की दिसंबर से फाइट चल रही हो और अब उसका डिक्लोज हो रहा है, अब क्लोजर आप उस लड़ाई को दे रहे हो। तो यस, वेरी गुड। एक और कार्ड यहाँ से लेते हैं, कैस्केड, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और इन ऑफ द सिचुएशन। मैंने एक बोला ना, इस सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, उसकी एंडिंग हो रही है, और शायद ये दिसंबर से चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ और मैसेजेस, कुछ और मैसेजेस, लॉबस्टर का कार्ड है, तो यहाँ पे अपने आप को फाइनेंशली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई फाइनेंशियल चीज़ों को भी प्रॉब्लम आएगी, तो फाइनेंशली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं आपके लिए, नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स। तो यहाँ पे आप दोनों को अपनी जो प्लान्स बनाने हैं वो एकदम बेटर प्लानिंग से करना है, ठीक है ना। कुछ लोगों के प्लान्स अनसक्सेसफुल हो सकते हैं अगर वो प्लानिंग सही से नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि फाइनेंशली पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। कहते हैं ना, एक ऑब्वियसली ये बात है कि प्यार कितना भी हो लेकिन कहीं ना कहीं जब रियलिटी से सामना करना पड़ता है, मुसीबतें आती हैं, फाइनेंशियली मुसीबतें आती हैं, तो प्यार जो है ना वो खिड़की से निकल जाता है। तो किसी प्रकार के बंधन से बंधने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो ये नॉट जो आप यहाँ पे जोड़ रहे हो वो टूटने का डर रहेगा, और ये कहीं ना कहीं इसी बात को ये दिखा रहा है। तो पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है इस पावर की तरह, ठीक है, अपने आप को बोल्ड बनाना है, और इसके बाद आगे अपने रिश्ते को बढ़ाना है, ठीक है। तो यस एरीज, आई होप आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी। मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, मोटिवेट ज़रूर करते रहिएगा। बाय।